नमस्कार, आप सभी का मेरी किचन में स्वागत है। आज मैं आपको ब्रेड की रसमलाई बनाना सिखाती हूँ। तो ये मैंने पिस्ता काट लिया है और ये मैंने थोड़ा कद्दूकस किया है और ये मैंने ब्रेड लिया और एक कटोरी में पानी लिया है। अब हम सभी ब्रेडों के इस तरीके से धीरे से किनारे निकाल देंगे। अब हम एक एक ब्रेड लेके ऐसे बीच में से कट करेंगे, इस तरीके से दो हिस्से में ले लेंगे और हम सब इसे पानी में भिगोएंगे इस तरीके से, और दोनों हथेलियों के बीच में इस तरीके से दबाएंगे खूब अच्छे से। अब इसमें हम हल्का सा पिस्ता रखेंगे, इस तरीके से पिस्ता रख के और इसे हम ऐसे फोल्ड करें, ऐसे धीरे से फोल्ड करेंगे, इसकी बॉल बनाएंगे। इस तरीके से सारी बॉल बना के हम रख लेंगे। इसी तरीके से हम सारी बॉलें बना लेंगे। इतने एक फ्राई में हम दूध गर्म करेंगे फ्राई पैन में, और इसमें हम थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा केसर डालेंगे और दूध को गाढ़ा होने के लिए रख देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और हम इसे केसर डाल के इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा। देखिए हमारा केसर वाला दूध तैयार हो चुका है। इसे हम ठंडा होने के लिए रखते हैं थोड़ा सा, और इसमें हमने एक कटोरी मैंने चीनी डाली है और इसे थोड़ा चलाते हैं, दूध को थोड़ा ठंडा करते हैं। और ये देखिए मैंने अपनी बोल तैयार कर ली है। ये देखिए मैं अपनी बोल तैयार कर दी है और मैं दूध थोड़ा ठंडा करती हूँ, और ठंडा दूध करके हम अपनी बोल पे डालेंगे करके अपना इस पे दूध डालेंगे। और ये देखिए हमारी रसमलाई धीरे धीरे दूध डालने से फूलने लगेंगे। रसमलाई को थोड़े से पिस्ता से और केसर से सजाएंगे। अब हम इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ मेरी रसमलाई कितने अच्छे से हुई है ब्रेड की। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।